नमस्ते, आज मैं आपको हाई पिच या हाई रेंज कैसे बढ़ानी है इसके कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम जिस अवस्था में होते हैं, जैसे बाल्यावस्था जब हम तरुण हो जाते हैं, नहीं तो मध्य आयु के हो जाते हैं और वृद्धत्व, तो हमारी जो वॉइस की रेंज है, जो वॉइस की पिच है, वो भी हमारे एज के अनुसार चेंज होती जाती है। जैसे अगर आप बच्चों की बात लें तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न गाने की जो शैली है, जिसे कॉयर कहते हैं, उसमें छोटे बच्चों का समावेश होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो पिच होती है वो बहुत हाई पिच ले सकते हैं। उसी प्रकार जब वही बच्चा तारुण्य में आ जाता है या मध्य अवस्था में आ जाता है, मध्य आयु में, तब उसकी जो वॉइस में एक बेस आने लगता है और बेस आने की वजह से उसके पिच में थोड़ी घटान आ जाती है, यानी जो उसकी हाई पिच थी वो थोड़ी नीचे आ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। समझो, आपको किसी ने कॉल करी है और आप फोन उठाते हैं और आप एक आवाज सुनते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक बच्चे की आवाज है या एक औरत की आवाज है या एक मर्द की आवाज है? तो पहले तो जब आप वॉइस सुनेंगे, हेलो मम्मी, हाउ आर यू, मम्मी तुम कैसी हो, अगर ये आवाज आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ये तो बच्चे की आवाज है। अगर वही अल्फाज हम इस्तेमाल करें और आप ऐसे ये आवाज सुनते हैं, हेलो मम्मी, हाउ आर यू, आप कैसी हो, तो आपको वो स्त्री है या पुरुष है उसके वॉइस से ही पता चलेगा, लेकिन आप ये बता पाएंगे कि ये बच्चे की आवाज नहीं है, क्योंकि वॉइस में बेस जो होती है उससे हम पहचान सकते हैं कि वॉइस में बेस है तो ये एक बड़े आदमी या औरत की आवाज है। तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखनी है बात कि जब हम बाल्यावस्था से तारुण्य में जाते हैं, मध्य आयु में जाते हैं, तो हमारी वॉइस भी चेंज होती है। और ये जो हमारी आवाज हाई पिच से जो लो पिच में आती है, वो एक प्रकृति का ही नियम है और ये एक बहुत खूबसूरत नियम है। तो इसीलिए हम लोगों को इस नियम को अपनाते हुए हमारे वॉइस में जो अच्छा लगता है, जो बहुत लुभावना लगता है, उस तरह से हमको गाना चाहिए। हमेशा हमको हमारी ही वॉइस में, हमारी ही पिच में, हमारी ही रेंज में गाना है। अभी मैंने एक सिंगर की आवाज़ सुनी और वो सिंगर, फलाना फलाना सिंगर, बहुत हाई पिच में गा रहा है, और मैं कहूँगी कि नहीं, मैं भी इसी वॉइस में गाऊँगी, मैं इसी को कॉपी करूँगी, उसी की पिच में मैं गाऊँगी, तो कृपया करके ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्रकृति ने आपको वॉइस दी है, जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति ने लोगों में अलग अलग तरह की वॉइसेस दी हैं, कोई वेस्टर्न में उन्होंने कैटेगराइज किए हैं रेंज के हिसाब से, पहले आता है बेस, फिर आता है टेनोर, फिर आता है आल्टो और फिर सुप्रानो। तो हर व्यक्ति का एक अलग रेंज है, ये आपको हमेशा याद में रखना है। उसी प्रकार जो औरत और मर्द हैं, उनके
जो वॉइस बॉक्स में भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, जिस तरह प्रकृति को औरत की वॉइस दी है, बहुत हाई पिच वॉइस दी है एक औरत, कहते हैं कि 100 से 525 हर्ट्ज तक गा सकती है, उसी तरह एक मर्द को प्रकृति ने ऐसी आवाज दी है, मर्द को एक एडम्स एप्पल दिया है जिससे उनका जो वोकल कॉर्ड है वो थोड़ा एलोंगेटेड हो जाता है, उसकी वजह से जो वॉइस जाती है तो उसको बेस बहुत मिलता है, क्योंकि वो वॉइस को ट्रैवल होने में देर लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी की वॉइस है या पुरुष की वॉइस है, मर्द की वॉइस है, उसमें ज़्यादा बेस की वॉइस है, यानी जो मर्द गाते हैं वो कहते हैं कि 65 यानी 65 हर्ट्ज से लेकर के उनके 260 हर्ट्ज यानी 260 हर्ट्ज तक उनकी रेंज, अच्छी रेंज होती है। तो मेल की जो वॉइस होती है, पुरुष की वॉइस होती है, वो बहुत नीचे की आवाज़ है, और जो फीमेल की आवाज़ है यानी जो महिलाओं की आवाज़ है, एक नारी या स्त्री की आवाज़ है, उनकी वॉइस बहुत हाई पिच्ड आवाज़ है। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ, और आप इन एक्सरसाइजेस को करें, अपनी वॉइस की रेंज आप बढ़ाएं, लेकिन हमेशा आप याद रखें कि हाई पिच रेंज गाने के एक आपको भूत सवार में ना जाएं कि मुझे यही वॉइस पिच में रेंज में ही गाना है और कुछ भी हो मैं ये रेंज में ही गाऊंगा या गाऊंगी, ऐसे आपको हट नहीं करना है, क्योंकि जो लोग अपना वॉइस ट्रेन कर कर के गाते हैं तो आगे चलकर उनकी वॉइस में बहुत तनाव महसूस होता है, उनकी वॉइस फटने लगती है, उनकी वॉइस में एक कंपन सी आ जाती है, और कई कई लोगों की मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनकी वॉइस ऊपर में वो गा ही नहीं सकते, ऊपर के पिच में पूरी उनकी टूट ही जाती है, यानी सिर्फ हवा निकलती है बाहर, वो ऊपर के स्वर गा ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उतना स्ट्रेन किया होता है। तो ये स्ट्रेन क्या है जो हम कहते हैं वॉइस को स्ट्रेन हो गया? देखो, आपके वोकल कॉर्ड्स अगर ये दो पर्दे हैं और इनको एक आवाज़ उत्पन्न करनी होगी, तो वो जो दो पर्दे हैं वो एक दूसरे से टकरा के जब वापस आ जाते हैं तभी वो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम बहुत हाई पिच गाते हैं तभी ये जो दो पर्दे हैं वो ज़ोर से टकराते हैं, और अगर वो रेंज जो है हमारे रेंज के बियॉन्ड होती है, जो हमारे नॉर्मल रेंज के बियॉन्ड अगर ये रेंज होती है तो क्या हो जाता है, ये इतने ज़ोर से टकराते जाते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्दे हैं वहाँ पे सूजन आ सकती है, वहाँ से रक्त का भी प्रवाह निकल सकता है, कभी कभी वहाँ पे नोड्यूल्स हो जाते हैं, और इसी वजह से ये वॉइस में बहुत तनाव आने लगता है, स्ट्रेन आने लगता है, वॉइस का चेंज, वॉइस के जो ग्रेन्स है वो भी चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको फिर से ये दोहराऊंगी कि हमेशा आप जब रियाज करते हों, कोई भी गाना गाते हों, बहुत सारे लोग आजकल कैरियोके गाते हैं तो उनका ध्यान नहीं रहता है कि वो कैरियोके के जो गाने का पिच है वो हमारे पिच से जुड़ रहा है कि नहीं, हम आराम से वो गा सक रहे हैं या नहीं। तो लोग क्या करते हैं कि एक समझो हाई पिच में गाना है तो वो गाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेन करते हैं अपने वॉइस को, इसीलिए कालांतर के बाद जब ऐसे वो हाई पिच में सब कैरियोके में सब गाने गाते हैं और उनकी वॉइस में स्ट्रेन हो रहा है, फट रही है, फिर भी वो समझते हैं नहीं 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 मैं तो गाऊंगा, मैं तो गा सकता हूँ, मैं तो गाऊंगा, देखो कभी कभी मेरी वॉइस लगती है वहाँ पे, और इस कालांतर में क्या हो जाता है कि उनकी वॉइस में बहुत स्ट्रेन आने लगता है। तो आप ये ना करें, आप अपनी वॉइस के रेंज में गाएं।
तो आप कहेंगे कि मेरी वॉइस की रेंज कौन सी है, मैं कैसे पता करूं कि ये मेरी रेंज है। तो जो जब आप सा से नीचे आते हो, सा नी रा पा मा गा रे, तो रे मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेन हो, तो सा नी रा पा मा गा, तो ये सबसे मेरा आराम से जो कंफर्टेबल में जा रहा है गा, और ऊपर जो कंफर्टेबल मेरा जा रहा है, तो सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा गा रे सा, तो म तक मेरा आराम से जा रहा है। अगर मैं पंचम में गाती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी वॉइस में स्ट्रेन है या थोड़ी फट रही है, तो वो मेरी वॉइस अभी वो रेंज में नहीं है। तो मध्यम ऊपर तार मध्यम और नीचे मंद्र गंधा, ये दो नोट्स के बीच में मेरी रेंज होगी। ये जो नोट्स के गामा पधनी सारे गामा पधनी सारे गामा गरे सानी धापा मा गरे सानी धापा मा गा, ये मेरी रेंज होगी। तो आप भी जब गाएंगे तो आप देखिए अपने कीबोर्ड पे, नहीं तो अपने हारमोनियम पे, कि कहाँ नीचे एकदम कंफर्टेबल आपकी जाती है और ऊपर आपकी एकदम जो कंफर्टेबल जाती है, ये जो बीच के नोट्स हैं वो आपकी रेंज है। तो चलिए आज करते हैं हम रियाज हाई नोट्स का, हाई पिच का, जिससे आपके हाई नोट्स विकसित होंगे, एक दो तीन नोट्स आपके हाई जा सकेंगे, जिससे हमारे हाई पिच आवाज में परिवर्तन आ सके। जैसे मेरे गुरुजी पंडित फिरोज दस्तूर हमेशा कहते थे, जैसे मेरे गुरुजी पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी, वो भी हमेशा कहते थे कि जब हम खरज का रियाज कर रहे होते हैं सुबह उठने के बाद, तब हम जितना नीचे गाएंगे उतना ही रात को या दिन में हमारी ऊंची आवाज जाएगी। ये एक नियम है प्रकृति का। तो खरज यानी क्या आप पूछेंगे, तो खरज रियाज जो हमारे लोअर नोट्स है, नीचे के जो हमारे स्वर है, उनका अभ्यास करना निरंतर। तो ये कब करेंगे आप, जब आप सुबह उठते हो और आपने चाय पीने के बाद आप तुरंत बैठ करके अपना तानपुरा या तो कीबोर्ड या तो हारमोनियम लेके नीचे के जो सुर है उनको आप जब घोटते हो, हाँ, तो ये नीचे का नीचे के जो स्वर है, क्योंकि जब आप सुबह में उठेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत नीचे के बेस के आवाज में जा रही है, क्योंकि तभी सब जो नोट्स हैं वो जागृत हुए नहीं है, सिर्फ जो नीचे के नोट्स हैं वो जागृत हैं। तो उस हिसाब से प्रकृति जो कह रही है उस हिसाब से आप नीचे के नोट्स करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो अब मैं आपको बहुत संक्षिप्त वे में ये बता रही हूँ खरज का रियाज, तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। Re sa ni
तब मेरा नीचे सा तक भी स्वर जाता है। देखिए, लेकिन मैं गंधार को सबसे नीचे का स्वर मान के चल रही हूँ। तो सा में देखूंगी अब मेरी रेंज क्या है। तो सबसे नीचे की रेंज मेरी गंधार मंद्र सप्तक की है। अब ऊपर देखते हैं कहाँ तक मेरी वॉइस जाती है। अच्छी तरह से जा रही है, तो जो गंधार मंत्र सप्तक का है तो ये सबसे मेरा नीचे का स्वर है और तो ये जो तार म है मध्यम है, ये मेरा हाईएस्ट नोट है। ये ऐसे मेरा रेंज होगा नीचे के ग से ऊपर के मध्यम तक। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये मेरी रेंज है। तो इसी तरह आप अपनी रेंज फाइंड आउट कीजिए कि सबसे नीचे कहाँ तक जा रहा है और सबसे ऊपर कहाँ तक जा रहा है। अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेस जो बाद में बताना चाहती हूँ वो करती हूँ तो मेरी वॉइस पंचम धैवत तक भी रात के समय पर जाती है। लेकिन जो मेरी कंफर्टेबल वॉइस है जहां मैं विदाउट स्ट्रेन
करते हुए जा सकती हूँ, तो वो मैं सबसे मेरी हाई पिच जो मध्यम है उसे मान कर के मैं कहूंगी कि यहाँ तक मेरी रेंज जाती है। तो चलिए हम अब दूसरे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जो है बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस, बैलेंस करना। तो आप कहेंगे कि ये बैलेंस करने वाली एक्सरसाइज कौन सी है। तो जब भी आप अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो कई लोगों ने मैंने देखा है कि बहुत हाई पिच का रियाज करते हैं, हाई पिच का रियाज करते हैं और बहुत स्ट्रेन उनके गले पे आता है। तो उस तरह से कभी भी आपको स्ट्रेन कर के हाई पिच का रियाज नहीं करना चाहिए। आपको जितना आप हाई पिच में आ रहे हैं उतना आपको नीचे भी आना है। तो अब हम लेते हैं बैलेंसिंग एक्ट रियाज। ओके, तो यहाँ हम नीचे का गंधार लेंगे और ऊपर का मैं मध्यम, अभी तक जो मेरी वॉइस है, मेरी रेंज है, उस हिसाब से मैं ये मेरा रियाज कर रही हूँ। अगर आपके नोट्स इससे ऊपर भी लग रहे हैं या इससे नीचे लग रहे हैं, तो आप उस प्रकार से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग रियाज में क्या करेंगे, पहले नीचे तक आएंगे, जब जहां तक आप नीचे आ सकते हैं, सा नी र प म ग ग म प ध नी स रे ग म प ध नी स रे ग म प ग दे स नी ध प म ग दे स नी र प म ग। तो जहां तक मेरी वॉइस नीचे जा रही है मैक्सिमम, और जहां मैक्सिमम ऊपर जा रही है, ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। और जिनकी आवाज समझो सा के बाद में सा रे ग म, वहां पे आवाज बहुत फट रही है, तो आप यही एक्सरसाइज बहुत, जैसे आप सा को टच करते हैं ऊपर के तार सा को, तो आप वहां पे थोड़ा अपना जो वॉल्यूम है वो कम करेंगे, जैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मेरे ऊपर के सा रे ग म ये ठीक से लग रहे हैं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं पे भी स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तब आप अपने नॉर्मल वॉइस में जो कि खुली वॉइस है उसमें आप कर सकते हैं। Bye.
लगने लगे कि हाँ अब मेरा मध्यम अच्छी तरह से आ रहा है और अब मेरा पंचम लगना चाहिए, तो यही आप दोहराएंगे कि पंचम को का जो रियाज करेंगे वो सिर्फ टच करके आना है। पंचम तक भी जाएगा, धैवत भी जाएगा, निषाद भी शायद से जाएगा। क्यों? क्योंकि जो महिला है और जो पुरुष है उनका जो वोकल कॉर्ड्स है वो अलग तरीके से प्रकृति ने बनाया हुआ है। अगर आप पुरुष के जो वोकल कॉर्ड्स को देखेंगे तो उनकी जो वॉइस है वो उनकी फीमेल जो महिला है उनसे भी उनकी नीचे की आवाज़ होती है, उनकी भारी भरकम आवाज़ होती है, और जो महिला है उनकी पतली और हाई पिच आवाज़ होती है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जब क्लासिकल गाते समय जो महिला है वो काली चार या काली पांच से शुरुआत करते हैं और जो पुरुष है वो अपना जो क्लासिकल का जो गाना है वो काली एक, काली दो, और कभी कभी तो पुरुष सफेद चार सा को मानकर वो अपना क्लासिकल का गायन शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर पुरुष की आवाज नीचे है तो ऐसे कैसे मैम कि यहाँ पे वो पुरुष हाई गा रहे हैं और फीमेल्स नीचे गा रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। देखिए प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि जो पुरुष गा रहा है तभी वो सा, यही सा वो यहाँ गा रहे सा, तो यहाँ गाने के बजाय सा रे गा मा पा धा नी सा वो यहाँ से गा रहे सा रे गा मा पा धा नी सा, वो वही रेंज को गा रहे हैं लेकिन यहाँ से गा रहे हैं। जो मिडिल जो काली एक है तो महिला जब काली पांच से गाते सारे गामा पधनी सा ये उनकी रेंज है, लेकिन अगर महिला यही यहाँ से गाने लगी सारे गामा पधा तो महिलाओं के लिए वो गाना अशक्य बात है। तो आप कहेंगे कि मैम ये ऐसे कैसे हो गया कि जो पुरुष हैं अगर उनकी महिलाओं से भी रेंज नीचे है तो आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग्स में वो हाई गा रहे हैं, उनकी वॉइस काली एक यहाँ से सारे गामा कभी कभी काली एक काली दो और सफेद चार ये यहाँ से ये पुरुष सब गा रहे हैं और जो महिला गा रहे हैं उनके साथ, तो ऐसे देखने में पड़ता है कि जो महिलाओं का वॉइस बहुत स्ट्रेन हो रहा है और वो नहीं गा सकते, तो ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं कि महिलाओं की जो रेंज है वो ज्यादा है लेकिन गाने के टाइम पे उनकी वॉइस बहुत स्ट्रेन हो रही है। क्योंकि देखिए अगर मेरा मिडिल जो सा ये है सा नी रा मा मा गा रे सा, तो ये जो नीचे वाला सा है वो पुरुषों का स्टार्टिंग रेंज है और वो सा यहाँ से शा करेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये पूरा जो ऑक्टेव है वो यहाँ से न गा कर वो लोग यहाँ से ले रहे।
जो सी शार्प है, जो मिडिल सी शार्प है, तो सारे गामा पधनी सा, यहाँ पे वो गा रहे हैं। तो कोई भी आप गाना अगर वो गा रहे हैं, अगर मेल गा रहा है ये गाना, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। और वही अगर महिला गा रही है तो वो कैसे गाएंगे, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। तो महिला जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 नोट्स ऊपर गा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पुरुष और महिला को दोनों को साथ में एक पिच में गाना है, तो दोनों के वॉइसेस अलग हैं, लेकिन दोनों को एक पिच में आना है तो वो कॉम्प्रोमाइज हो के उनको ऐसी कॉम्पोजिशन बनानी पड़ेगी म्यूजिक डायरेक्टर को कि दोनों अपने आराम से वॉइस में गा सकते हैं। जो महिला है उनकी जो वोकल बॉक्स है वो छोटी रहती है थोड़ी, तो इस हिसाब से वो एक शिमर यानी बहुत हाई पिच ट्रेमेलो गा सकती है। जब वो कहेंगी कि कैसे हो आप, अरे मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, और यही अगर पुरुष कहता है कैसे हो आप, मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, तो ये जो बात करने का जो तरीका है यहाँ पे, तो इससे भी आपको आप पर ये जाहिर होगा कि फीमेल यानी महिला और पुरुष मेल वॉइसेस में बहुत अंतर है। इसी वजह से एक बार ऐसे हुआ कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसको मैंने बहुत साल सिखाया हुआ है और बहुत अच्छा गा रही है अब, तो वो रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम एक फलाना फलाना बड़े सिंगर के साथ, मेल एक पुरुष सिंगर के साथ मैं गाने जा रही हूँ, और जब मैं रिहर्सल को गई तब एक भी गाने में मेरी वॉइस नहीं लग रही है, मेरी वॉइस फट रही है, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जोरों से रो रही थी और बहुत वो चिंतित थी अपनी वॉइस को, अपने गाने को लेकर के। तो पहले जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे भी जहन में कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने उसे पूछा, तुम्हारे पास कोई ऐसी वीडियो है जो तुमने बनाई है रिहर्सल के दौरान, तो मैं उसे सुन सकती हूँ? तो बहुत फॉर्चुनेटली उसने बनाई थी वीडियो, तो उसने मुझे वीडियो दिखाई, और जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा, बाप रे ये तो मेल वॉइस के में गा रहा है, अपने पिच में गा रहा है, ये अपने पुरुष के पिच में गा रहा है। कोई कोई गाने में वो जी शार्प को सा मान के गा रहा था, कोई कोई गाने में वो ए को मान के गा रहा था, कोई कोई गाने में वो ए शार्प को मान के गा रहा था। तो एक फीमेल, एक महिला को उस हाई रेंज में, क्योंकि अगर महिला को पुरुष के साथ गाना है तो ये प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि वो एक वो इम्पॉसिबल चीज है, वो महिला को पूरा एक ऑक्टेव हाई गाना पड़ेगा। विदेशी म्यूजिक में देखा जाए, पॉप सॉन्ग्स देखेंगे, तो जो पुरुष और महिलाएं गा रही हैं तो पुरुष अपने ही गाने गाते हैं और फेमस हो जाते हैं, महिला अपनी गाने गा के अपने पिच में गा के बहुत प्रसिद्धि पा लेते हैं, और बहुत आपको कम डुएट्स मिलेंगे पॉप सॉन्ग्स में। और जब आप देखते हैं उन डुएट्स को तो वहाँ भी महिला और पुरुष ऐसे कॉम्पोजिशन बनाए हैं कि दोनों अपने अपने पिच में गा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पुरुष और महिलाओं की वॉइसेस में बहुत अंतर है, और जब एक साथ में आप गाते हो तो आपको इस चीज की
बहुत दक्षता लेनी है और स्ट्रेन न करते हुए वो डुएट को प्रस्तुत करना है। तो चलिए हम अब ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपके ऊपर वाले नोट्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये मैं सी शार्प को सा मानती हूँ, सा नी दा मा मा गा रे, रे गा मा मा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे, अभी रे रे सा नी दा मा मा गा रे, सा नी दा मा मा गा रे। तो नीचे रे तक मेरा वॉइस जा रहा है और ऊपर मैं रे तक ले रही हूँ। देखिए वापस करेंगे, सा नी दा मा मा गा रे, रे तक आए, रे गा मा गा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे, रे रे सा नी दा मा मा गा रे, सा नी दा मा मा गा रे, रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे, रे रे सा नी दा मा मा गा रे, सा नी दा मा मा गा रे। जब ये नोटेशंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो अब फिलहाल मैं आई मूवी में कर रही हूँ, तो उसमें नीचे के डॉट्स और ऊपर के डॉट्स मैं नहीं कर सकती हूँ, तो कृपया मुझे माफ कीजिए इसके लिए। तो हम फिर से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, मैं थोड़ा धीमी गति से लूंगी। रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे, रे सा नी दा मा मा गा रे, सा नी दा मा मा गा रे, रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे, रे इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा कर भी कर सकते हैं। जब मैं ऊपर का ग लगा रही हूँ तब क्या होता है कि एकदम आपको टच करना है का, तो इससे क्या हो जाता है कि आपको आप एक इनिशिएट कर रहे हैं प्रोसेस जहाँ पे आपको वो ऊपर की नोट को थोड़ा वहाँ पे टच करके आना है, लेकिन वो डायरेक्ट लगाना है। तो ये डायरेक्ट लगाने की जो क्रिया है, समझो आप कोई गाना गा रहे हैं और एकदम से ऊपर का आपको जब एक स्वर लगाना है, तो ये एक्सरसाइज से आपको वो आसानी पड़ेगी। मुझको आवाज दो, मुझको तो ये जो ऐसे है गाना, तो वहां पे एकदम आपको जाकर के ऊपर के वॉइस पे ठहरना है, तो ये एक्सरसाइज बहुत काम देगी आपको। तो फिर से करते हैं। सा नी दा मा मा गा रे, सा नी दा मा मा गा रे, गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा
उठाते हैं और एकदम ऊपर गाते हैं तो वॉइस पे आपके कहीं भी स्ट्रेन पड़ता नहीं है। मध्यम को लेते हैं, अभी जब भी आप ये बड़े ऑक्टेव का रियाज करेंगे तो थोड़ा आपको ब्रेथ लेनी पड़ेगी, तो आप मुंह से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग में गाते तो ये क्या हो जाता है, बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ पे जो नेक मसल्स है वो बहुत ये कंस्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग में हमने देखा है कि टाइम बहुत कम रहता है और उस छोटे टाइम में आपको एक बड़ी सांस लेनी है, तो बहुत सारे वेस्टर्न सिंगर्स भी आप देखेंगे कि मुंह से अपना श्वास लेते हैं अंदर, तो यही आपको करना है। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ये बहुत फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नाक से ले, लेकिन अगर वक्त नहीं है वहां पे, छोटे वक्त में आपको बहुत बड़ी ऊंची सांस लेनी है क्योंकि आपको बड़ी फ्रेज गानी है, तो मुंह से ले। स्वर है तो नीचे अपने अपना जो नेक है, कहते मुंडी नीचे करना, तो एक फ्रेज है, तो नेक को नीचे करते हैं तो ऐसे ना करके क्या हो रहा है यहाँ पे, अपना आपका जो वोकल कॉर्ड्स है वो स्ट्रेच हो रहा है। देखो तो ये आपका वॉइस, नीचे का वॉइस आ रहा है, अपना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अपने नेक को लेते हैं तो देखिए, वापस देखिए, सा रे द प म ग रे, तो आराम से आ रही है वॉइस, और ऊपर जब आप लेते हैं तो अपना नेक नीचे करना है, सा रे द प म ग रे सा, तो ये आप अपना
करके देखिए, क्योंकि ये जब भी मैंने किया, मैंने सोचा कि क्यों ऐसे, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं और ऊपर गा रहे हैं और जब नीचे के नोट्स है तो नीचे देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेंटल ब्लॉक है। अगर देखा जाए तो वॉइस जो है, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि जो लो पिच है, मिडिल पिच है और हाई पिच है, ये एक ही लेवल में है सब। तो अभी सा मिडिल सा नि द प म ग ग म प ध नि सा सा रे ग म प ध नि सा रे ग म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि द प म ग रे। तो इसको अगर सा नि द प म ग रे रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प सा। ऐसे आप अगर करेंगे तो आपकी वॉइस भी, रेंज भी आपकी खुलेगी उतनी और आसान आसानी से खुलेगी, क्योंकि जो आप पोजीशन नेक के दे रहे हो, जब आप हाई गा रहे हो और आप नेक पोजीशन नीचे कर रहे हो, तो आपकी वॉइस को बिना स्ट्रेन के वो हाई नोट्स आप रीच कर सकते हैं। और जब आप लो नोट्स गा रहे हैं, आप जब ऊपर कर रहे हैं, तो ये आपका पूरा जो वोकल कॉर्ड्स है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच होने की वजह सा नि द प म ग रे, तो ये आराम से आप गा सकते हैं, ये मैजिक है। तो ये मैजिक ट्रिक मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ, तो ये आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे गुरुजी गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी कहते थे कि आपको अगर 10% भी आपको अगर कुछ अच्छी बातें पता है और वो आप दूसरे लोगों को बताते हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो 100 times 1000 times ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आप जो आज 10% दे रहे हैं, आप जो 10% आप वर्ल्ड को दे रहे हैं, जो प्रकृति को दे रहे हैं, तो पूरी प्रकृति जो ब्रह्मांड है वो आपको 100% या 1000% आपको रिटर्न में आके देगा। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत से लोग अपना जो सीक्रेट है वो संकुचित करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, दूसरों से बांटते नहीं हैं। तो ये मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके पास टेक्निक्स हैं वो दूसरों को खुल के दीजिए और आपको 100 गुना 1000 गुना फिर से ब्रह्मांड देगा। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिनको हाई पिच बढ़ानी है। जहां भी आपको लगे कि नहीं, यहाँ पे मेरा ये अभी यहाँ पे मुझे स्ट्रेन हो रहा है, तो वहां पे आप मत कीजिए, सिर्फ मध्यम तक ही आपका रियाज जारी रखिए। 4 महीने में 6 महीने में आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ अभी मध्यम लग रहा है, तो प को सिर्फ टच करके आना है, और जब तक वो सही तरीके से नहीं लगता है, वहां स्ट्रेन करके बहुत ज्यादा उस पर रियाज नहीं करना चाहिए। तो ये बात आपको बहुत
काम देगा। और ये एक्सरसाइज में आप ऊपर के नोट्स में थोड़ा सॉफ्ट भी गा सकते हैं, देखिए। और थोड़े जैसे आपने देखा मैंने मेरा नेक थोड़ा नीचे किया, क्योंकि एक महिला होने के कारण एकदम से पंचम, धैवत, निषाद ये नोट्स मेरे थोड़े कभी कभी स्ट्रेन होते हैं, तो ये मुझे ध्यान में रखना है कि ये मेरी पिच है मध्यम तक। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अभी थोड़ा मेरे वॉइस को थोड़ा स्ट्रेच करवा रही हूँ। तो आप जब ऊपर जाएंगे आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हैं। सा रे सा नी ध प म ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे सा सा रे सा नी ध प म ग रे सा सा साथ में, तो ऊपर के नोट्स को बहुत सॉफ्टली आपको पहले गाना है। सा नी ध प म ग ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे लग सकती है, बखूबी लग सकती है। अभी आपको मैं एक दूसरी एक्सरसाइज दे रही हूँ, जो जिस एक्सरसाइज को हम नाम देंगे मोर एक्सरसाइज। मोर यानी जो पंछी मोर होता है, अगर आप देखेंगे कि वो एकदम हाई पिच में एक आवाज निकालता है अपने गले से, तो वैसी आवाज हमको निकालनी है। और ये आवाज जो मोर की एक्सरसाइज है, कृपया करके अपने जब आप अकेले होंगे तब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। किसी अन्य सदस्य अगर घर में होंगे या आप कहीं बाहर जा रहे होंगे तो ये कृपया आप एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि वहां पे लोग आप पे हंस सकते हैं। तो अब मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर मत हंसिए, क्योंकि आपको मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ। तो मोर की एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो आपको स्पाइन सीधा रखना है, शुरुआत में ये जो मैंने खांसी आई है ये शुरुआत में होती है, खांसी आती है। कभी कभी अगर मैंने बहुत दिनों के बाद ये एक्सरसाइज की होगी और बहुत दिनों के बाद मैं जब ये एक्सरसाइज करने जाती हूँ तभी भी ये थोड़ी पहले आपको खांसी आने लगती है। मोर की एक्सरसाइज, और ये कृपया आप 5 बार कीजिए दिन में। एक सिर्फ 5 बार आपने ये एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। पहले दिन आप 1 बार करेंगे, दूसरे दिन 2 बार करेंगे, ऐसे करके 5 बार जब आप आ जाए तो उतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप पूरा अपना जो वॉइस है वो उल्टी
तरह दिशा में घुमा रहे हैं और हाई पिच में ले रहे हैं। तो इससे अगर ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे तो इस पे आपके गले पे बुरा असर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे लेकिन छोटे छोटे डोज में करेंगे, ऐसे नहीं कि अरे ये मैं 100 times करूंगा कि तो मेरी आवाज एकदम हाई पिच में जाएगी। नहीं, आप ये एक्सरसाइज थोड़ा सिर्फ 5 बार करेंगे दिन में और आपका डोज कंप्लीट हो गया। जैसे भस्त्रिका है, आप बहुत भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ये वॉइस की एक्सरसाइज ऐसी है कि 5 बार आपको करने से उसका लाभ पूरा पूरा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको एक वेरिएशन भी बता रही हूँ कि अगर आप अपने नेक को ऊपर की दिशा में रखते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको, क्योंकि आपका जो वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेच हो जाता है, एलोंगेट हो जाता है, तो इसीलिए आप और भी हाई पिच में जा सकते हैं। देखिए, तो अभी ये आने के बाद मुझे थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है क्योंकि सिर्फ 5 बार ही मुझे करना है। इधर आप ये पोजीशन में 5 बार करो या ये पोजीशन में, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज बंद करनी है आपको, क्योंकि आपको हमेशा आपकी जो बॉडी कह रही है, जहां भी आपको तकलीफ हो रही है, जहां भी आपकी वॉइस पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आपकी बॉडी झट से आपको बताएगी और आपको भी झट से ही इस चीज को मानना है और बॉडी जो कह रही है उसकी बात माननी है और वो एक्सरसाइज बंद करनी है। और जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ, आप उनको थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस रोज थोड़े थोड़े करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीने में, 1 साल में आपके वॉइस रेंज में बहुत आप 2-3 नोट्स आप हायर गा सकेंगे और आपको अपने ही रेंज में गाना है। यही आपको ध्यान में रखना है कि जहां आपको बहुत तकलीफ हो रही है वहां आपको नहीं गाना है, उसको फोर्स करके नहीं गाना है। और अभी हम कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करेंगे। एक एक्सरसाइज जो बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, योगिक एक्सरसाइज है, तो कहते हैं कि ओम ये ब्रह्मांड का पहला साउंड है, पहला ध्वनि है जो निर्माण पृथ्वी पर हुआ है। और ये ओम का जब और ओम के ध्वनि से ही सब उत्पन्न हुआ है। तो जब भी आप ओम का रियाज करते हैं तो आपके जो गले में एक अच्छा रेजोनेंस भी आता है, घुमारा जिसे घुमारा कहते हैं, तो घुमारा आएगा, एक वजन भी आएगा, एक गोलाई आएगी आपके वॉइस में, यानी टूटक टूटक नहीं लगेगा। आप जब गाएंगे तो एक और आपके जो ब्रेथ का जो प्रवाह है वो भी एक कंटिन्यूटी में जाएगा। ओम मैंने डॉक्टर करंदीकर से 35 टाइप्स ऑफ ओमकार मैंने सीखे हैं, तो वो मैं आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगी। फिलहाल हम करेंगे रियाज ओम का। तो जो स्वर है म से लेंगे और ऊपर म तक जाएंगे। Thank you.
कहते हैं उसको नोम, न एंड फॉर नीदरलैंड्स, तो अनुनासिक थोड़ी हो जाती है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा चेस्ट वॉइस को बढ़ाएं, अभी यहाँ पे अनुनासिक मिलेंगे, नहीं लेते हैं और पूरी एक्सरसाइज अनुनासिक में करते हैं। देखिए, तो लोग जो गाते हैं नाक में, अभी तो नजर मिलाऊं कभी तो करीब आऊं, ऐसे लोग अनुनासिक में गाते हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप नोम की एक्सरसाइज करते हैं तो अनुनासिक जो आवाज है, लोग बहुत हंसते हैं इस पर, तो जो नाक में आने वाली वॉइस है उसको आपके नॉर्मल सिंगिंग में नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको बहुत हाई नोट्स आपके लग नहीं रहे हैं और वहां पे आपको आसानी होने की, अगर आपको ये चाहिए कि थोड़े मेरे ऊपर के जो नोट्स हैं वो थोड़े आसानी से लगे, तभी कभी कभार कोई गानों में बहुत हाई पिच है और आपकी वॉइस नहीं जा रही है, तभी आप ये अनुनासिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से ये मैं आपको नोम की एक्सरसाइज दे रही हूँ। और एक एक्सरसाइज है जो मेरे गुरु जी पंडित फिरोज दस्तूर जी ने मुझे दी थी, गंग गंग यानी गंगा, इस वर्ड में जो वर्ड आता है गंग, नहीं तो ओम गंग गणपतये नमः, तो गंग, तो ये जब हम गंग कहते तो हमारी जो वॉइस है वो अनुनासिक में जाकर के रुकती है। तो आप ये वॉइस टेक्निक करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज इसके लिए करेंगे ताकि आपकी वॉइस हाई पिच में जो सिर्फ हाई नोट्स है वहां थोड़ी अनुनासिक आप ले सकते हैं, आपको थोड़ी लिबर्टी है, लेकिन आपके नॉर्मल गाने में नहीं, तो नॉर्मल आप जो सुर लगा रहे हैं वहां गंग भी आप करेंगे तो चेस्ट वॉइस ही आपको लगानी है। विभाजन आप करते हैं ओ, और जो हाई नोट्स में आप अगर आप म लगाते हैं आप अपने लिप्स को सिल के, तो भी आपको ये अनुभव होगा कि ये आपकी वॉइस ऊपर के नोट्स में सहज लग रही है। तो करेंगे ओ एन एक्सटेंशन ऑफ म, oh,
है वो अपने लिप्स को सिल के आप ऊपर के नोट्स में करेंगे और जो ओ है वो बाकी के सप्तक में पूरा आप ओ लेंगे। अभी आपको मैं एक गोल्डन नगेट यानी जो राजाओं का राजा है वो एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिससे आपके हायर नोट्स बहुत अच्छी तरह से निखरते हुए आपकी वॉइस में आपको जान पड़ेंगे और जिससे आपको बहुत लाभ होगा हायर नोट्स गाने में। तो जिस किसी ने फटफटी चलाई है, फटफटी यानी बाइक, तो इस फटफटी की आवाज हम अपने वॉइस में आज लाएंगे। तो ये एक्सरसाइज कैसी है, और ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ मैं सीक्रेट में बता रही हूँ यूट्यूब पे। तो आप जब ये एक्सरसाइज करें, बेशक आप लोगों को ये एक्सरसाइज बताएं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आम लोगों के सामने आप ये ना करें क्योंकि लोग आप पे हंसेंगे अगर ये आप लोगों के सामने एक्सरसाइज करेंगे। तो ये अपने सीक्रेसी में आपको करनी है। तो ये हम इस एक्सरसाइज को बाइक वाली एक्सरसाइज इस नाम से संबोधित करेंगे। इंग्लिश में इसको सिंगिंग एंड ट्रिल्स ये भी कहते हैं। तो इसमें एक रोल अपने लिप्स को यानी अपने जो अधर है इनको रोल करते हैं, जैसे छोटे बच्चे ऐसे छोटे बच्चे करते हैं, यही एक्सरसाइज है। जब हम बाइक की एक्सरसाइज यानी अगर आप बाइक चला रहे हैं और पहले आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो गियर लगा रहे हाँ अभी आपकी चालू हो गई, तो एक ही स्वर में आपको आकर के ठहरना है। और जिस किसी की भी आवाज नहीं जा रही है ऊपर, तो आप अपने जो उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ अपने गाल पे थोड़ा अपने को थोड़ा प्रेस करना है और फिर ये एक्सरसाइज करनी है। दिखने में भी ये बहुत हास्यपद लगेगी लेकिन ये एक्सरसाइज में आपको बहुत फायदे होंगे हाई पिच में गाने। तो जब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ और मेरा वॉइस ऊपर मैं रखती हूँ तो मेरी वॉइस कभी कभी पंचम, धैवत और निषाद तक भी जाती है सुबह के टाइम में। तो इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को राजा का राजा एक्सरसाइज संबोधित कर रही हूँ और मैं ऊंची सी ऊंची उड़ान आवाज में भर सकती हूँ क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ऊपर जाती है। अब मैंने एक घंटे से बहुत एक्सरसाइज हाई रेंज के किए हैं तो कदाचित मेरी वॉइस मुझे ऐसे लग रही कि थोड़ी स्ट्रेन हुई है, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ आपके लिए। बाइक एक्सरसाइज में तो एक दिक्कत यही आएगी कि आपकी श्वास जो पूरी यूज हो गई है तो आपको एक श्वास वापस लेनी पड़ेगी। तो हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ऊपर के सांस से आप शुरू कीजिए लेंगे तो आपको भी आसानी पड़ेगी, नहीं तो
अगर आप नीचे से लेते हो तो बीच में आपको रुक के एक सांस लेनी है और फिर ऊपर के नोट्स आपको बाइक एक्सरसाइज में करने हैं। अच्छी तरह से अभी जा रही है। ये एक्सरसाइज आप अपने नेक ऊपर कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आप जब भी आपका ये जो वॉइस बॉक्स और स्ट्रेच हो जाता है तो ऊपर के आपके धैवत निषाद ऊपर का सा भी आपका लगेगा इस एक्सरसाइज को लेकर के। तो आज के लिए ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं तो आपको ये बहुत आपके वॉइस में परिवर्तन लाके आपके हाई नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे। और आपको ये याद में रखना है कि ये एक्सरसाइज आप छोटी छोटी मात्रा में करें, छोटी छोटी मात्रा में करते करते थोड़े बढ़ाएं और जहां और जब कभी आपको लगे कि अपना वॉइस ट्रेन हो रहा है तो वो एक्सरसाइज वहीं बंद करें। और यही कामना करूंगी कि आप अच्छे रेंज में आप गाएं। दूसरों ने एक फलाना फलाना सिंगर बहुत हाई पिच में गा रहा है तो उसको न कॉपी करें। और कैरियोके जब भी आप गाएं, कोई भी फंक्शन कोई भी पार्टी में आप जाएं तो वहां पे म्यूजिशियंस के पहले साथ आप एक रिहर्सल करके देखें कि आपकी वॉइस उतनी हाई जा रही है या नहीं। और अगर नहीं जा रही है तो म्यूजिशियंस को थोड़ा नीचे बजाने के लिए कहें और अपने रेंज में जहाँ आप कम्फर्टेबल हों वहां गए। एक बात याद में रखना है कि जो सिंगर अपने ही पिच में गाते हैं तो उनकी वॉइस जब वो बुढ़ापे में जाते हैं तब भी उनकी वॉइस कायम रहती है। उनकी वॉइस उसी प्रकार वो अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आपको मैं बेस्ट ऑफ लक देती हूँ और बहुत मन से ये चिंतन करती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाएंगे, बहुत अच्छे रेंज में गाएंगे, अपने रेंज में गाएंगे और बहुत खुशी महसूस करेंगे। इसी के साथ हम हमारा ये आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। और जिनको ये जो मैंने एक्सरसाइजेस बताए हैं तो ये मैंने थोड़े डिटेल में मेरे इंग्लिश वर्जन में भी बताए हैं तो वो भी आप जाकर के अगर वहाँ पे रियाज करना चाहते हो तो मैं टाइम स्टैम्प्स वहाँ पे भी दे रही हूँ। तो आप डायरेक्टली टाइम डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा वहाँ वो ब्लू जहाँ नंबर रहेगा उसको आप प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली वहाँ वो एक्सरसाइज पे उस टाइम पे जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप मेरी एक्सरसाइजेस करें। धन्यवाद, शुक्रिया और शब्बा खैर।